जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद राशिद जी, आप देख रहे हैं हाफिज़ टीवी। तो हम आए हैं इस वक्त जी इधर कबूतरों की जो है वो कंपटीशन हो रहा है जी, मुकाबला हो रहा है कबूतरों का। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि भाइयों के पास आए हैं, उनसे पूछेंगे कि कबूतरों की जो है वैरायटी जो है नस्लें कौन कौन सी होती हैं और जो है इनको कारोबार के तौर पर रखते हैं या एक शौकीन के एक शौकिया तौर पर इनको रखा हुआ है। तो इनके मुकम्मल जो है तफसीलात हम आप लोगों को जानेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा जी। भाइयों से पूछते हैं इंशाल्लाह कि कबूतर जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो कितनी किस्म के कबूतर पाए जाते हैं और सबसे खूबसूरत कबूतर जो है वो कौन सा है और जो किसका जो है उसकी प्राइस जो है सबसे ज़्यादा होती है वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बाबर भाई के पास आए हैं जी। तो बाबर भाई हमें तारफ़ करवाएँगे कबूतरों के बारे में, हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, ये हमें जवाब देंगे। तो बाबर भाई क्या हाल है, आपकी तबीयत से ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह साहब खैर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को ये शौक कब से है जी? ये शुरू का शौक है साहब। कितने साल हो गए हैं? सारे ब्यू डाले लड़ने हमने कबूतर से लड़ा नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं जी, सराकी इस बार में आप लोगों को बताते हैं, अच्छे से बता सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोग जो है इस चीज़ को समझ जाएंगे, वरना जो बाद में हम इसको ट्रांसलेट भी कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वे कबूतर जड़े ना सा ये शुरू दे रखान पियो। अच्छा, आज गाल दे नहीं, ये शुरू दे कबूतर है सारे, असादी इन्हें दे सिवा नहीं निपती, असारा शौक है, एक रोजी है एक शौक ही है, रोजी की तरह लड़े नु कबूतर। एक होता है ना शौक होता है और दूसरा होता है कि कारोबार है अपना। कारोबार है, ये कारोबार है कबूतरों का। अच्छा, इनके जो प्राइस है, ये एक होता है कि सस्ते एक महंगे कबूतर भी आप लोगों के पास? हाँ है महंगे, 3000 का फिर हमारे पास बुरके पोश। हाँ हाँ, असने खाल सही है, हर परिंदा है हमारे पास। सही है, 80 कबूतर है, हर परिंदा है, 80 कबूतर है, हर परिंदा है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जो मैं आप लोगों को देखा कि आप लोग जो है आपस में मुकाबले करवा रहे थे। हाँ, मुकाबले कर रहे थे। ये रोजाना होते? रोजाना होते मुकाबले, रोजाना। सही है, 5 हमने पकड़े हैं। अच्छा, हमारा उसने कोई नहीं पकड़ा। सही है जी, माशाल्लाह, मुबारक हो आप। खैर मुबारक खैर। ये सिर्फ शाम को कबूतरों को उड़ाते हैं या दिन के वक्त भी? शाम को 5 बजे खुलते हैं कबूतर, 6 बजे बस। मैंने देखा है कि अभी कबूतर बैठते हैं, आप लोग जो है फिर उनको उड़ा देते हैं, तो ये थकते नहीं है? नहीं यार, परिंदा है, थकता तो है ना, 1 घंटा लड़ते हैं डेली। कभी आप लोग ऐसा भी हुआ होगा कि आपके कबूतर जो हैं दूसरों यानी के जो आपके साथ मुकाबला करवाए उनके पास भी चले जाते होंगे? चले जाते हैं, बैठ जाते हैं कबूतर, 18 कबूतर हमारे चले गए ऐसे। अच्छा, तो आए कितने हैं? 18 हमने पकड़े हैं, 18 चले गए, 18। कोई भी शौक जो होता है वो बहुत यानी कि एक कारोबार की अगर इसको शक्ल दे दी जाए तो हर का एक रोजगार उससे चलता है। तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, तो ये इतने इस इलाके के अंदर तकरीबन बहुत ज्यादा लोगों को शौक है? बहुत ज्यादा शौक है इधर, बहुत ज्यादा, इधर इतना मजदूर नहीं है जितना कबूतर है इधर। बहुत खुशी की बात है जी। रोड पे ऊपर भी गुजरे जी, जगह जगह पे जो ये इस तरह के जो ये भाई आपको दिखाएं, ये पिंजरे से जो कबूतरों वाले जो होते हैं जगह जगह आप लोगों को नज़र आते हैं, तो ये पिंजरे जगह जगह आपको नज़र आएंगे। तो ये जो सड़कों पे रख के बैठे होते हैं ये बेच रहे होते हैं? हाँ, वो बेच रहे थे जो खोखा लड़ाते हैं ना कबूतरों का डेली, 3-3.5 लाख से घाट नहीं होता 100 कबूतर। अच्छा, हाँ 3.5 लाख से घाट कोई कबूतर नहीं होता अभी, 100 कबूतर। अगर ये कोई ये कारोबार करना चाहे? हाँ वो करता है। अच्छा, हाँ कर रहे हैं बंदा इधर। अच्छा, ये अंडे देते हैं कबूतर? अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। कितनी देर बाद अंडे दे देते हैं? 1 महीने बाद। अच्छा अच्छा, एक उड़ा के जी। ये जी ये मुख्तलिफ वैरायटी के कबूतर हैं जी, आप लोगों को उड़ा के दिखा रहे हैं। अभी कंपटीशन स्टार्ट होगा जी, अब इधर से उड़ाए हैं तो दूसरे भाई जो हैं जिनके साथ मुकाबला होगा वो भी उड़ाएंगे इनके मुकाबले में। हमारी दुआएं बाबर भाई के साथ हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक इनको और कबूतर पकड़ने की ताकत दे और अल्लाह हिम्मत दे। अच्छा बाबर भाई, इनके बारे में मैंने सुना है कि इनके ना दिमाग के अंदर मकनातीस नामा होता है कि अपनी यानी कि एक जिस जगह पे उड़ाते हैं ना वो अपनी जगह नहीं भूलते। ये दिमाग होता है हर किसान, अपना दिमाग है ना। हाँ जी, काम पर जाते हैं शाम को घर आते हैं। हाँ जी, इधर काम में लगे रहे सारा दिन, इधर लगे रहेंगे। ये कबूतर भी ऐसे है, होता है ना जी, जिस तरह आसमान के ऊपर घूमते हैं अगर कोई चक्कर आ जाए इनको। चक्कर नहीं आता इसको, चक्कर। अच्छा, जो ऊपर उड़ रहे हैं वो तो उड़ रहे हैं, ये नीचे जो कबूतर पकड़े हुए हैं ये कुटी है इनको यानी ये उड़ ना सके। हाँ। तो ये अब ये यानी ऐसे फेंकते हैं तो उनको कबूतरों को पता चल जाता है कि ये उतरने का इशारा कर इशारा कर रहे हैं। हाँ। ये देखो ना, आप कबूतर आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं जी। ए सी यहाँ पकड़े, 3 चाप वन लाल चाप, 3 स्या चाप वन
दू लालचा वदन दू गोले वदन दू जवे वदन चार रोशन चराग वदन तो चार रेसल गोरे वदन 80 कबूतर है टोटल। ठीक है माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया बाबर भाई, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे जी, आपने हमें जो कीमती अपना टाइम दिया। तो नाजरीन हम आप लोगों को दिखाया है कबूतर, जो मुख्तलिफ वैरायटी आप लोगों को दिखाई हैं, तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी आप लोगों ने लाजमी बताना है, मुकम्मल जो वीडियो जो है वो लाजमी देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।